अज्ञात लोगों ने गोली मारकर युवक किया घायल, पुलिस जांच में जुटी। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के सदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात को हाईवे के किनारे लहूलुहान हालत में युवक पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के गले में गोली लगी हुई थी। जानकारी के अनुसार निधारा गांव निवासी जनक सिंह उम्र 28 साल पुत्र विद्याराम जाटव शुक्रवार को छोटे भाई के साथ विशनगिरी बाबा के दर्शन करने गया था। वापस लौटते समय भाई बाजार में सब्जी लेने के लिए चला गया। वहीं जनक सिंह हाईवे 11 बी पर खड़ा हो गया। इसी दौरान घटना हुई। सूचना पर बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा और कोतवाली एसएचओ महेंद्र सिंह जापते के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस उप अधीक्षक मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि एक युवक खून से लथपथ अवस्था में हाईवे 11 बी पर सड़क किनारे पड़ा है। इस पर वे मौके पर पहुंचे और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां से जयपुर भेज दिया गया। एसएमएस से प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल जनक सिंह के गले में गोली लगी है, पीठ और पैर में कोई गोली नहीं है। घायल के स्वास्थ्य में सुधार है। सीओ ने कहा कि घटना के पीछे घर के ही लोगों का हाथ है, जिसको लेकर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। घायल के चाचा फूल सिंह ने बताया कि जनक सिंह पुत्र विद्याराम जाटव के गले में और पीठ में गोली लगी है। सीओ मनीष कुमार शर्मा का कहना है कि मामले में जांच जारी है। युवक जनक सिंह पर हमला क्यों और किसने किया, इसको लेकर जानकारी की जा रही है। फिलहाल एक दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जिनसे जानकारी की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। फोटो पर माला पहनने से अच्छा है हेलमेट पहने। धर्मपाल सिंह रोटरी क्लब में फूल माला पहनाकर चलाया समझाइश अभियान, धौलपुर की प्रमुख खबर। रोटरी क्लब द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग व यातायात पुलिस के सहयोग से गुलाब बाग ट्रैफिक प्वाइंट पर समझाइश अभियान चलाया। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक धर्मपाल सिंह ने कहा कि क्लब द्वारा हेलमेट को लेकर अभी समझाइश अभियान चलाया जा रहा है। यदि आपके द्वारा यातायात नियमों की पालना नहीं की गई, तो फिर विभाग द्वारा चालान की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि फोटो पर माला पहनने से अच्छा है कि हेलमेट पहने और अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि क्लब द्वारा अभियान के माध्यम से दुपहिया वाहन चालकों को माला पहनाकर समझाइश की जा रही है कि यह माला आपके फोटो को भी पहनाई जा सकती है, यदि आप हेलमेट का उपयोग नहीं करेंगे। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने कहा कि क्लब सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में जिले में अपनी महती भूमिका निभाता है। रोटरी क्लब की सचिव श्रीमती प्रिया त्यागी ने कहा कि फोटो पर हार से अच्छा है दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने। इस अवसर पर डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने कहा कि हेलमेट पहनकर हम अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं और बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं में अकाल मृत्यु में जागरूकता के माध्यम से कमी लाई जा सकती है। क्लब द्वारा आज यह माला आपको पहनाई जा रही है और यदि आपको ने हेलमेट का उपयोग नहीं किया, तो कल यह माला आपके फोटो को भी पहनाई जा सकती है। जिला यातायात प्रभारी मंगतू राम ने क्लब का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से लोगों में यातायात नियमों की पालना को लेकर जागरूकता का संचार होगा। इस अवसर पर यातायात प्रभारी मंगतू राम, अतुल कुमार भार्गव, अंकित अग्रवाल, अमन भार्गव, दीनदयाल शर्मा, राजकुमार व जीतू मुख्य रूप से उपस्थित थे। धौलपुर से एडवोकेट रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। रोटरी क्लब द्वारा परिवहन विभाग और यातायात विभाग के सहयोग से ये ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रिक्ट बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें जो बिना हेलमेट के जो बाइक्स पर लोग चल रहे हैं उनको आज माला पहनाई जा रही है और उनको ये बताया जा रहा है कि ये माला
आपको इसलिए बनाई जा रही है कि आप इसमें हेलमेट पहने, वरना कभी किसी एक्सीडेंट से आपकी जान जा सकती है और आपके फोटो पर माला चढ़ सकती है। तो ये इस तरह का कार्यक्रम रोटरी क्लब द्वारा कराया जा रहा है और आगे भी कराया जाता रहेगा। साथ में एक प्रोग्राम की हेलमेट वितरण का भी रखने का है, जिसमें शुरू में कुछ लोगों को हेलमेट वितरण किया जाएगा जो बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहे हैं, और उसके बाद से फिर ये चालान प्रक्रिया चालू करेंगे। जो भी जनता टू व्हीलर पर जा रही है और उन्होंने हेलमेट यूज नहीं कर रहे हैं, या वो थ्री पर्सन बाइक पर जा रहे हैं, उनको रोककर माना पहनाई जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि या तो आपके ऊपर माना या फिर फोटो पर माना, इस तरीके से उनको एनकरेज किया जा रहा है ताकि वो आगे से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और अपनी जान को खतरे में ना डालें। इस तरह आपके द्वारा कब तक चलेगा इस तरह का कार्यक्रम? इस तरीके का अभियान हम रेगुलर चलाते रहेंगे सुबह के मॉर्निंग टाइम में, सो दैट पीपल विल रेगुलरली अवेयर बाय द ट्रैफिक रूल्स। जिला पुलिस अधीक्षक ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान की समीक्षा कर अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश। धौलपुर की प्रमुख खबर, पुलिस मुख्यालय एवं डीआईजी भरतपुर के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ और अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने आज पुलिस लाइन के सभागार में सभी वृत्ता अधिकारियों एवं थाना अधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की समीक्षा कर आगे ठोस रणनीति के साथ अधिक प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपी मनोज कुमार ने अभियान की समीक्षा करते हुए वांछित स्थायी वारंटियों, भगोड़ों आदि की सूचियां तैयार कर अधिक से अधिक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। साथ ही हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर अपराधियों के नोट तैयार करने, आपराधिक गिरोह के सदस्यों को चिन्हित करने और गंभीर मामलों में चालानशुदा मुलजिमों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मीटिंग में पुलिस उप अधीक्षक धौलपुर सुलेश सांखला, दीपक खंडेलवाल मनिया, विजय कुमार सिंह सैपौ, बाड़ी पुलिस उप अधीक्षक मनीष शर्मा, सरमथरा डीएसपी सुरेश डाबरिया सहित सभी थाना अधिकारी गण एवं अपराध सहायक मानसिंह मीणा उपस्थित रहे। कल होगा कस्बा में ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह, तैयारियां जोरों पर। सैपो की प्रमुख खबर, ब्राह्मण समाज द्वारा कस्बे में उपखंड स्तरीय होली मिलन समारोह का आयोजन 9 अप्रैल को किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं शनिवार को भगवान शालिग्राम के मंदिर में समाज के लोगों की बैठक कर व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बैठक में बताया कि समाज में पनप रही कुरीतियां और करीब 8 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। कार्यक्रम स्थल कस्बे के बीआर गार्डन में आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर समाज के लोगों द्वारा उपखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव में पीले चावल बांटकर लोगों को आमंत्रण दिया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में पीसीसी सदस्य सत्यप्रकाश शर्मा, पूर्व सरपंच सुरेश तिवारी, प्रमोद दत्त शर्मा, पूर्व सरपंच महेश शर्मा, सरपंच अजय कांत शर्मा, ब्राह्मण समाज के ब्लॉक अध्यक्ष चंचल तिवारी, रजनीश तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, शैलेश कबीर, नहर अध्यक्ष योगेश तिवारी, रणवीर शर्मा, रामू शर्मा, मुकेश दत्त शर्मा, जितेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। क्या प्रोग्राम है सर? कल दिनांक 9 अप्रैल को सैपो उपखंड के समस्त ब्राह्मण बंधुओं की होली मिलन समारोह बीआर गार्डन सैपो पर प्रातः 11 बजे से प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भूतपूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार माननीय श्री बनवारी लाल जी आएंगे। उनके साथ ही पूरे क्षेत्र के हमारे ब्राह्मण समाज के लोग आएंगे। वो सामाजिक कुरीतियों पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए ये सारी व्यवस्थाओं पर उनका सभी का उद्बोधन होगा। इसके साथ साथ पूरे गांवों में हमारे पूरे टोली ने भ्रमण किया है, हमारे क्षेत्र के हमारे सब डिवीजन के सारे गांवों में, कस्बे में भी इसको लेकर के काफी उत्सुकता है। कल प्रातः 11 बजे से सभी ब्राह्मण बंधु बीआर गार्डन में उपस्थित हों, ऐसा हमारा सभी से अनुरोध है। वहां समय पर पहुंचे और व्यवस्था में सहयोग करें, साथ ही
सभी प्रकार की समस्याओं पर वहाँ विचार विमर्श किया। कल 9 अप्रैल 2023 रविवार को शैपू उपखंड में बीआर गार्डन शैपू में पूरे उपखंड के ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह रखा गया है, जिसमें समस्त उपखंड के प्रत्येक गांव और ढाणी से और शैपू कस्बे के हर घर का व्यक्ति उस समारोह में हिस्सा लेगा, जिसके हमारे समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री श्रीमान बनवारी लाल जी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्रीमान दुर्गाधर शास्त्री पीसीसी सदस्य राजस्थान कांग्रेस कमेटी वो भी शिरकत करेंगे और इसमें समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज को संगठित करने के लिए सारी चर्चाएं इस पर होंगी। जय परशुराम, धन्यवाद। रक्तवीर लवलेश ने रक्तदान कर पीड़ित महिला की बचाई जान, धौलपुर की प्रमुख खबर। जीवन ज्योति हॉस्पिटल में भर्ती पीड़ित महिला ज्योति को ए पॉजिटिव रक्त की अति शीघ्र आवश्यकता थी। ए पॉजिटिव रक्त ब्लड बैंकों में उपलब्ध न होने से परिजनों ने सोशल मीडिया के ग्रुपों में जानकारी दी। इस पर अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी के संयोजक रोहित मंगल ने सोशल मीडिया पर जानकारी मिलते ही पीड़ित व्यक्ति से संपर्क कर रक्त उपलब्ध करवाने का भरोसा दिलाया। अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी के संस्थापक रोहित मंगल ने कायसपाड़ा निवासी लवलेश चौबे को फोन पर जानकारी देते हुए रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। रक्तवीर लवलेश ने रक्तदान के महादान में सहयोग किया। इस अवसर पर रक्तवीर लवलेश ने बताया कि रक्तदान करने से व्यक्ति को कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए रक्त से 3 अन्य व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी टीम रक्तवीर लवलेश का आभार व्यक्त करती है। वीवीएन के लिए सोमेंद्र मंगल की रिपोर्ट। अज्ञात महिला को अपना घर आश्रम बाड़ी पहुंचाया, नादनपुर की प्रमुख खबर। नादनपुर थाना प्रभारी राम अवतार बैरवा ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव बांसरे के ग्रामीणों ने बताया कि एक महिला उनके गांव में भटक रही है, जो अपना नाम पता बताने में असमर्थ है। सूचना पर पुलिस गश्त के दौरान थाना प्रभारी पुलिस जाब्ते के साथ गांव बांसरे पहुंचे, जहां काफी ग्रामीण एकत्रित थे। सभी के सामने महिला से पूछताछ करने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ नहीं बता सकी तथा उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आई। ग्रामीण महिलाओं ने इस महिला के हाथ पर सीला देवी नाम गुदा हुआ बताया। इस पर नादनपुर थाना प्रभारी राम अवतार बैरवा ने इस अज्ञात अधेड़ महिला को अपना घर आश्रम बाड़ी लाकर आश्रम अध्यक्ष विष्णु महेरे के सुपुर्द कर दिया। अतिथि अनुदेशकों ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन, स्थायी करने की मांग। बालोतरा की प्रमुख खबर। कैलाश प्रजापत एवं पारसमल के नेतृत्व में अतिथि अनुदेशकों द्वारा डूंगर राम गैदर राज्य मंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन सौंपकर अतिथि अनुदेशकों को सिविल सेवा रूल्स 2022 में सम्मिलित कर नियमित करने की मांग की है। इस अवसर पर समस्त आईटीआई स्टाफ बालोतरा मौजूद रहा।